आदा प्रणाम सत श्री अकाल। जिनकी आज हम बात करने वाले हैं वो हैं आज जॉन एलिया, मशहूर शायरों में शायर जॉन एलिया। जॉन एलिया एक ऐसे शायर थे, बहुत ही सेंसिटिव बात करते थे वो, बहुत ही चलने वाले मुद्दों को छेड़ते थे वो। जॉन एलिया लखनऊ में रहने वाले, अमरोहा के अमरोहा कस्बे में रहने वाले थे। शुरुआती दिनों में वो रहे वहाँ, उसके बाद वो पाकिस्तान में रहे, अपनी ज़िंदगी गुजारी। जॉन एलिया की शायरी में पता लगता था कि वो किस दौर में गुजर रहे हैं। स्ट्रगलिंग पीरियड में उन्होंने एक शेर बोला था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। वो शेर कुछ इस तरह था, किसी से अहमो परवाह ना रही हो, तुम इस बस्ती में रही हो पर ना रही हो, सफर करना है दो पलक बीच, सफर लंबा है बिन बस्ती ना रही हो। इस तरह की शायरी करने वाले जॉन एलिया, जब 1947 को उनको जब भारत से बर्खास्त कर दिया गया, हिंदुस्तान से बर्खास्त कर दिया गया, तो तब कुछ दोस्त उनको अमरोहा स्टेशन पर छोड़ने जा रहे थे, क्योंकि बाकी ज़िंदगी उनको पाकिस्तान में गुजारनी थी। तब उन्होंने कुछ लफ्ज़ ऐसे कहे थे, मैंने आपको बताया कि जॉन एलिया ऐसी ऐसी शायरी करते थे कि जो जिस दौर में होते थे उस दौर की शायरी करते थे। अंजुमन की उदास आंखों से आंसुओं का पैगाम कह देना, मुझको पहुंचा के लौट जाने वालों सबको मेरा प्रणाम कह देना। इस तरह की शायरी करने वाले जॉन एलिया, हरदम हर हर दिल तक पहुंचने वाले जॉन एलिया। जॉन एलिया की शायरी पे लोग हंसते भी थे क्योंकि उनकी शायरी कुछ इस तरह की होती थी, क्योंकि हर लोग उनको, जॉन एलिया को अपना मानते थे, क्योंकि हिंदुस्तान में की हो, पाकिस्तान में की हो, दुबई में की हो, हर महफिल में वो लोग आए लोगों को अपना कहते थे जॉन एलिया। जॉन एलिया की एक शायरी है मोहब्बत पे, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कुछ इस तरह की थी, है मोहब्बत है याद की लज्जत, वरना कुछ लगते हयात नहीं, क्या इजाजत है एक बात कहूं, वाह ए या चल कोई बात नहीं। इसी तरह की शायरी उन्होंने की। इसी तरह के कुछ शायर थे फराज, जनाब फराज साहब, उनकी मुझे एक शेर याद आ रहा है, इसी तरह का शायर शेर था। वो था कुछ इस तरह, सुना है मैंने कि जब वो बोलते हैं तो उनके लबों से फूल छिलकते हैं, अच्छा ये बात है, चलो आज उनसे बात करके देखते हैं। तब के दौर के शायर कुछ इस तरह के हुआ करते थे कि हाँ, वो कुछ जिस दौर में गुजरते थे वो उस दौर की शायरी करते थे। चलो बात करते हैं जॉन एलिया की। जॉन एलिया हमेशा इस बात को डिफेंस करते आए हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इस दुनिया में उतना विचरित नहीं होने वाले, पर वो जॉन एलिया एक ऐसे ऐसे शायर थे जो पढ़े लिखे विद्वान शायरों में शायर थे। उनको उर्दू, फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। पाकिस्तान में जाके उनको वो तर्जमा भी मिला। लुगत कमेटी के वो मेंबर रहे जो कि एक्चुअली लैंग्वेज कंट्री इन लैंग्वेज एस्टेब्लिश करने का कमेटी होती है। तभी उस मैंने ये पढ़ने के बाद जॉन एलिया को जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो जब उनका इन्फ्लुएंस मुझ पर नज़र आया, तो मैंने जॉन एलिया पे ये कुछ लफ्ज़ बोले थे, लिखे तूने कुछ ऐसे लफ्ज़ जो आज लोगों को समझ आ रहे हैं, चारों ओर हो रही है वाह वाह, तू पर देख नहीं सकता क्योंकि तेरे देखने के दिन खत्म हो गए हैं, होता तू और देखता है जॉन एलिया, होता तू और देखता ऐ जॉन एलिया के लफ्ज़ असर कर रहे हैं, हर वो जुबान पे छू रहे हैं। शुक्रिया, शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना। थैंक यू डॉ।